गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? ऑल द बेस्ट। तैयारी वही चल रहा है ना अच्छे से? ठीक है। एक बात करते हैं फिर से, कहेंगे कि रिविजन इसकी पीछे का पूरा करते रहना, ठीक है ना? पीछे वाला पूरा रिवाइज करते चलते जाना, जितना टॉपिक्स पढ़ लेना फिर से भी उसको दोबारा दोबारा प्रैक्टिस या रिवाइज करते चले जाना, ठीक है? क्योंकि बिना रिविजन के हमको पूरा का पूरा भैया याद तो रहेगा नहीं, है ना? तो हम लोग एग्जाम के टाइम में तो सारा का सारा याद रहना चाहिए, ठीक है ना? तो चलो हम लोग पीछे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे ना। काइनेमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर रहे थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, ठीक है? आज हल्का से एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक? और जो तो जो भी मैथमेटिकल टर्म हमको आएगा आज आज वो डिस्कस करेंगे सारा का सारा, ठीक ना? दुनिया तो मेरा वेरिएबल भी चलेगा ना, हमेशा स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, कॉन्स्टेंट तो रहता नहीं है, वेरिएबल भी रहता है। जनरल हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में वेरिएबल रहता है, तो वेरिएबल से टैकल करने का तरीका मेरा क्या है? मैथमेटिक्स का सबसे बेस्ट टूल कैलकुलस, ठीक है ना? वो भी आज समझाएंगे, तो लोड मत लेना बिल्कुल। सारे बायो वाले स्टूडेंट हो चाहे मैथ वाले स्टूडेंट हो, रेडी रहना, ठीक है? चलो काइनेमेटिक्स में हम लोग एक्सेलरेशन आज थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग्स, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से चीज को समझते चलना। और ये याद रखना कि ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या हर जगह काम आएगा, बोले मैकेनिक्स में भी काम आने वाला है। और ट्वेल्थ भी जब चले जाओगे मान लो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें मान लो एक मैकेनिक्स भी लगा देंगे, वहाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमेशा काम आता रहेगा, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि अभी पढ़ लिए तो निश्चिंत हो जाना, जो भी पढ़ो उसको याद तो रखना है 2 साल तक, या जब आप पेपर दे रहे हैं उस टाइम तक आपको याद रखना है, ठीक है ना? कम्पिटेटिव एग्जाम जब तक IIT या NEET जब तक दे रहे हो, जेईई मेंस और एडवांस या फिर नीट वाले स्टूडेंट्स, तब तक याद रखना है सारा सारा, ठीक है? चलो एक्सेलरेशन, ठीक? एक्सेलरेशन क्या है? बचपन से पढ़ रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी के बढ़ने या घटने को ही हम लोग टाइम के साथ एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सिंपल इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज का मतलब क्या होगा? यानी ए वेक्टर डिफाइन किया गया है, बी फाइनल माइनस बी निश्चय, जो कि वेक्टर है, तो ये ऊपर में तीर मारेंगे, वेक्टर है तो डरना नहीं है, वेक्टर है तो डरना नहीं है, बड़े बोल रहे हैं, वेक्टर सब कोई पढ़ ही लिए हम लोग, ठीक? बी फाइनल माइनस बी निश्चय अपॉन T2 माइनस T1, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टोटल टाइम नीचे, ठीक है? सिंपल डेफिनेशन हो गया, बेसिक बात, ठीक? क्लियर फंडा? अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होगा, बात कर लेते हैं। देखो ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक? इसका मतलब क्या है ये समझ लो, एक सेकंड में मेरा, यही बात समझना इम्पोर्टेंट है, यही सबसे बात समझना इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड में मेरा कितना से स्पीड बढ़ या घट रहा है, एक सेकंड में मेरा स्पीड कितना से बढ़ या घट रहा है, वही मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है? क्लियर होंडा? ठीक, तो इन नोट करके एक बात ये लिखना है, मेन इन 1 सेकेंड, हाँ इन 1 सेकेंड बाय हाउ मच वेलोसिटी इज, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना? एक सेकंड में मेरा वेलोसिटी, देखो एक सेकंड में मेरा वेलोसिटी कितना से घट या बढ़ रहा है, उसी को बोले एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है? क्लियर था बात, समझ में आ गया पंडा? चलो ठीक, और खास बात, वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरा एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा होगा, तो है, ठीक है ना? एक ये पॉइंट हो गया, नोट में लिख लेना इंपॉर्टेंट। दूसरा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो उसका अपना एक डायरेक्शन भी होगा, ठीक? ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है कि भैया मेरा एक्सेलरेशन किधर है, ठीक है? पहले यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है ना? नोट कर लो, तो बताते हैं कि कैसे कैसे तो हमारे डायरेक्शन को लेते हैं, प्लस या माइनस का जो कन्फ्यूजन होता है वो नहीं होगा, अभी बताएंगे, पहले इसको नोट कर लो। चलो क्लियर है, सिंपल, ठीक है?
ये हो गया मेरा, है ना। अच्छा अब समझना डायरेक्शन को, समझना है ना, प्लस माइनस जो हम लोग लेंगे ना इसको समझना। अब मान लो हमको एक्सलेशन दिया रहेगा माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि मेरा स्पीड घट रहा होगा, कोई कतई मतलब नहीं है, समझाते हैं ठीक है न। साइन कन्वेंशन ठीक है। अब देखो दुनिया तो मेरा अभी 1D मोशन पर रहा है, 1D दुनिया तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में अभी हम लोग मूव करना है, टेंशन फ्री है ठीक है। स्ट्रेट लाइन में दो ही डायरेक्शन होगा, लेफ्ट या राइट, मतलब ठीक है ना, क्लियर ना। या तो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा होगा, या तो मेरा पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा, या लेफ्ट या राइट मूव कर रहा होगा, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है मेरा सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में ठीक, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल, ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए ठीक है। कन्वेंशनली हम लोग इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाले डायरेक्शन को निगेटिव बोलते हैं। कन्वेंशनली अपना मन है कि प्लस इधर वाले डायरेक्शन को ले लो, इधर वाले डायरेक्शन को निगेटिव ले लो, तुम्हारा मन इधर निगेटिव ले लो इधर पॉजिटिव ले लो, तुम्हारा मर्जी, ये मर्जी है अपना, ये अपना मर्जी है कि हम किधर पॉजिटिव निगेटिव लें। हाँ लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में एक बार कोई डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिए तो उसी को पॉजिटिव बोलते चलना है, जिसको निगेटिव बोली उसी को निगेटिव बोलते चले जाना है। किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर तुम्हारा माइंड सेट है कि इधर वाले को पॉजिटिव बोलो तो उधर पॉजिटिव लेते चलना, ठीक। तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहता है, ये मेरे तुम्हारे ऊपर है, क्वेश्चन पर बनाते जाएंगे समझ, पहले समझना ठीक है। अच्छा मान लो कि अब इफ ठीक है ना, इफ वेलोसिटी किसी का दे दिया तुमको माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कि ये लेफ्ट जा रहा है। अभी मेरे कन्वेंशन के हिसाब से वेलोसिटी किसी का माइनस 2 मीटर पर सेकेंड दे दिए, इसका मतलब लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब तो पहला बात तो ये हुआ, ये माइनस देख के क्या समझे, ये माइनस देख के क्या समझे कि ओ लेफ्ट में जा रहा ठीक है। यानी कि प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस इज नथिंग बट गिव्स अस द आइडिया ऑफ डायरेक्शन, इसको नोट कर लेना नोट करके ठीक है, कि प्लस माइनस इज नथिंग बट गिव्स अस द आइडिया ऑफ डायरेक्शन। प्लस माइनस कुछ नहीं है भैया, वो सिर्फ और सिर्फ हमको एक डायरेक्शन का आइडिया देता है ठीक। चलो तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या समझे, लेफ्ट में जा रहा है ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अगर इसी में अगर हम तुमको एक्सप्रेशन दे दें माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, ओहो एक्सलेशन का डायरेक्शन किधर था, लेफ्ट में था, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या एक्सलेशन का डायरेक्शन लेफ्ट में है ठीक ठीक। मतलब वेलोसिटी भी लेफ्ट में, एक्सलेशन भी लेफ्ट में, वी वेक्टर भी लेफ्ट में, ए वेक्टर भी लेफ्ट में, तो क्या कहते हो, स्पीड बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेफ्ट में ही बढ़ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ सिंस डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज इन सेम डायरेक्शन, चूंकि मेरा वी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इंप्लाइज वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा, फिलहाल किस डायरेक्शन में ठीक, इन अभी दुनिया लेफ्ट में चला रहे तो लेफ्ट में, इन लेफ्ट डायरेक्शन फिलहाल अभी लेफ्ट, चूंकि मेरा वेलोसिटी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम है इसलिए मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा, इस केस में कितना से बढ़ेगा, लेफ्ट में स्पीड कितना से, 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा, इसका मतलब समझ गया ना, अब समझ गया ना यार तुम लोग ठीक, तुम समझ गए अब। एक केस वन ले लो ठीक है ना, ठीक वेलोसिटी भी इधर था, एक्सलेशन भी इधर ही था ठीक, वेलोसिटी भी इधर था, एक्सलेशन भी इधर ही था, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल ये कि मेरा जो भैया लेफ्ट डायरेक्शन में ही मेरा स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा था, ये इसका मतलब हुआ, बस हो गया। तो माइनस देख के जज मत कर लेना तुरंत में कि स्पीड घट ही रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हमको देखना पड़ेगा भैया किधर जा रहा था ठीक है, लिख लो इसको नोट करो इसको जल्दी, केस वन इस बात का भी ध्यान रखेंगे।
ठीक है ना, सिंपल है यार, कोई ज्यादा टफ नहीं है, लोड नहीं लेना है। ठीक, अब केस टू ले, केस टू ले। अगर मान लो मेरा वेलोसिटी देके रखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड प्लस, चलो माइनस ही कर दो, माइनस 5 मीटर पर। इसका मतलब क्या, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है कितना से, 5 मीटर पर सेकंड से माइनस देख के लेफ्ट में जा रहा है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन यहीं पर तुमको दे दे हम प्लस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस का, मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ये इधर है लेफ्ट में और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट में। ओहो, इसका मतलब क्या कि मेरा वेलोसिटी घट रहा होगा। देखो भाई, ठीक ना, वेलोसिटी मेरा घट रहा हो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। सेंस वी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन इंप्लाइज स्पीड इज डिक्रीजिंग। फिलहाल अब ये चुकी है, अभी लेफ्ट में जा रहा था तो इन अभी लेफ्ट डायरेक्शन में घट रहा होगा। इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में मेरा स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से घट रहा होगा। लेफ्ट में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से घट रहा होगा, यानी आवर स्पीड इज डिक्रीजिंग विद 2 मीटर पर सेकंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। चूंकि ये लेफ्ट में जा रहा था -5 से, लेकिन एक्सेलरेशन था +2, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट साइड था। ओहो, इसका मतलब कि मेरा स्पीड घट रहा था। ठीक है, और सिंपल ये समझो कि जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वेलोसिटी ऑब्वियस बात है डिक्रीज करेगा, और डायरेक्शन सेम हो जाए तो इंक्रीज करेगा, वो चाहे लेफ्ट में करे या राइट में करे। हमको प्लस माइनस से अब कंफ्यूजन नहीं होना है। अब समझ गया, समझ गए ना, अब कभी भी प्लस माइनस देख के तुरंत जजमेंट नहीं ले लेना। एक्सेलरेशन के प्लस माइनस से जज नहीं कर सकते हैं बढ़ेगा या घटेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा किधर है। ठीक है, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ गया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन बस पता हम कर लेंगे तो बस हो गया। ठीक है, चलो कभी कंफ्यूज मत होना आज के बाद। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो, बेसिक बेसिक ये एक्सेलरेशन का बात था। ये ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या बताता है कि भैया मेरा वेलोसिटी कितना से बढ़ या घट रहा है। एक्सेलरेशन किस चीज़ का आइडिया देता है, वेलोसिटी के बढ़ने या घटने का आइडिया देता है। डायरेक्शन तो अपने हिसाब से हम जज करते हैं कि मेरा किधर हम पॉजिटिव नेगेटिव लेके चले हुए। अरे ठीक है, समझ गया हमने यहाँ तक। ठीक है ना, तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी कि आप देखो, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को एक अलग अलग हम कर लेते हैं अभी तक तो जितना पड़े। ठीक है, स्केलर और वेक्टर, ठीक, हल्ला हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, बट मेन यहाँ फोकस हो। ये देखो, स्केलर में तो डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, अभी तक मुझे जो पढ़े हैं, ठीक है ना, और एक एवरेज स्पीड आ गया। ठीक, ये सब किधर आ गया, तुमको स्केलर क्वांटिटी में आ गया। ठीक, ठीक है ना, क्लियर है, एवरेज स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आगे आ जाएगा, एक आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट,
एक आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है ना, एक आ जाएगा तुमको एवरेज वेलोसिटी, और आखिर में एसेलरेशन। एसेलरेशन का मतलब ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को वी वेक्टर से, डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से जनरली, ठीक है, जनरली हम लोग इसे डिनोट करते हैं। वेक्टर में तीर मार देना ताकि आइडिया लगे कि वेक्टर है, ठीक, क्लियर फंडा यहाँ तक नोट कर लो। स्केलर वेक्टर इस जहाँ तक अभी पढ़े हैं कौन कौन स्केलर और वेक्टर था ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, डायरेक्शन भी हमको आइडिया लगना चाहिए, ठीक है, स्केलर और वेक्टर, क्लियर, सिंपल हो गया। अब आ जाओ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का बात कर लेते हैं, है ना, मैथमेटिक्स का बात कर लेते हैं कि क्या क्या फंडा लगेगा जब दुनिया वेरिएबल हो तो, ठीक है, जब दुनिया वेरिएबल हो तो, चलो कैलकुलस इन्वॉल्व इन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स जितना कैलकुलस यूज होगा हम सारा का सारा भी बता देंगे, नो डाउट, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चलो, कैलकुलस इन्वॉल्व इन काइनेमेटिक्स, ठीक, अब देखते हैं। मान लो कि हमको ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, समझ रहे हो, एक्स वाई एक्सिस हो गया, एक कर्व ऐसे दे दिए तुमको, ठीक, कर्व दे दिए हमको, बोलता है एक्स इक्वल्स टू ए से एक्स इक्वल्स टू बी तक का एरिया बताओ, ये एरिया बताओ, ठीक है, तो सिंपल सिंपल एरिया डायरेक्ट निकाल पाना उतना आसान नहीं है, अगर हम स्ट्रेट लाइन से इसको ऐसे जोड़ दें तो मान लो इसका निकाल लेंगे, लेकिन ये कर्व पाथ हमको हमेशा थोड़ा सा टेंशन देगा ही कि कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसी से बचने के लिए हमारे ये महान न्यूटन, सारा का सारा तो न्यूटन का ही फिजिक्स पढ़ने वाले हम लोग, है ना, न्यूटन जी, ठीक है, अल सर आइज़ैक न्यूटन का नाम तुम लोग सुना ही होगा, बहुत ही गजब का आयु, गजब के साइंटिस्ट थे, बहुत गजब, ऑसम, सर आइज़ैक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन जी बोले क्या, यही कैलकुलस का आविष्कार किए थे, हमारे न्यूटन जी कैलकुलस का डिस्कवरी किए थे, ठीक है, खैर उससे कोई मतलब नहीं हम लोग, लेकिन हम लोग को समझना है कि क्या क्या होता है, ठीक है ना, तो ये बोले क्या कि अब चलो क्या करो, ये जो मेरा छोटा, ये जो मेरा पूरा का पूरा जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, उसको एक छोटा छोटा देखो, मान लो पहले स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ते हैं, ठीक, जोड़े, ठीक है, इसका देखो एक ये पार्ट को अगर विजुअलाइज करो, ये पार्ट को अगर विजुअलाइज करो तो तुमको ये फील होगा, ये बहुत छोटा, चूंकि ये जो दूरी है ना, ये जो विड्थ है ना, इसको बोलते हैं डी एक्स, क्या बोलते हैं इसको, डी एक्स, डी एक्स का मतलब बहुत ही छोटा एक्स, डी एक्स का मतलब बहुत ही छोटा एक्स, 0.00000000 इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, डी एक्स क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल दूरी, ठीक, ठीक है, बहुत ही छोटा है, तो तुमको कैसा स्ट्रिप दिखाई देगा, ये तुमको दिखाई देगा रेक्टेंगुलर टाइप का, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर तुमको एलिमेंट दिखाई देगा, है ना, एलिमेंट बोलो, स्ट्रिप बोलो, जो तुमको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके रिस्पेक्ट में यहाँ वाई भी होगा अपना, होगा ना, कुछ ना कुछ ये दूरी वाई भी होगा, क्लियर है, तो इसका हम फोटो अलग से बनाए तो हमको क्या ये स्ट्रिप ऐसा दिखाई देगा, क्या हमको ये स्ट्रिप ऐसा दिखाई देगा जिसका विड्थ तो डी एक्स है और लंबाई वाई है, विड्थ तो डी एक्स है लंबाई वाई है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा, क्लियर है बंडा, ठीक है, क्लियर है ना, इसका एरिया क्या लिखोगे, एरिया लिखोगे वाई डी एक्स, एरिया क्या लिखोगे वाई डी एक्स, उसी तरह से हम यही छोटा छोटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को उठाते जाए उठाते जाए उठाते जाए उठाते जाए, उसको जोड़ते जाए जोड़ते जाए, तो क्या हमको पूरा का एरिया मिलेगा, पूरा का एरिया मिलेगा, तो टोटल एरिया, स्मॉल एरिया तो स्मॉल एरिया हो गया, टोटल एरिया, टोटल एरिया का मतलब यही छोटा छोटा रेक्टेंगल सबको उठा उठा के जोड़ना है
इसी जोड़ने का नाम दिया गया इंटीग्रेशन। इसी जोड़ने का नाम क्या दिया गया, यानी कि ये y dx जो छोटा सा एरिया उसको जोड़ो जोड़ो सम। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये है तुमको इंटीग्रल, ठीक ना, इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। इसका सिंपल मतलब अपना सिंपल भाषा में क्या समझ सकते हो, सम मतलब जोड़ रहे, मतलब जोड़ रहे, ठीक है। टोटल एरिया y dx का इंटीग्रेशन, ठीक, डी एक्स, ठीक है ना। आप देखो लिमिट हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक, पुट करते हैं। किसका पुट करते हैं, जो भी चीज यहाँ डी एक्स, जो भी चीज वैल्यू वन होगा उसका लिमिट यहाँ पुट करते हैं। डी एक्स है इसका मतलब एक्स का लिमिट पुट करेंगे, कहाँ से कहाँ, एक्स कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा था, ए से लेके बी तक, एक्स ए से लेके बी तक वैरी कर रहा था, एक्स ए से लेके बी तक वैरी कर रहा था। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, अभी को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का मतलब समझ गया, ये है सिंपल एक मीनिंग है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। यानी कि एरिया से हम लोग जब एरिया का प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, जब एरिया का प्रॉब्लम आया तो कॉन्सेप्ट आया इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। जब एरिया का बात आया तो हम लोग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाए, नोट कर लेते फटा से, इंटीग्रेशन कहाँ से आया पहले ये हमको पता चल गया, ठीक, इसका यूज करेंगे, यूज होगा, पहले समझ से चलना है हमको, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यही तुम्हारे इंटीग्रेशन का साइन है, यही ना, सांप की तरह, देखो सांप की तरह ऐसे, ठीक ना, क्लियर है, चलो क्लियर याद से, ठीक। एरिया को समझने के लिए इंटीग्रेशन आ गया, ठीक। अब देखो, अब एक चीज होता है तुम लोग सुने को बचपन, स्लो, एक चीज होता है स्लो, ठीक है, स्लो, ठीक है, स्लो। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ, जितना फिजिक्स में छोटा मोटा यूज आएगा इसका वो हम लोग सिफर से पढ़ेंगे, मैथ्स वाले का तो अलग ही बनता है इसका। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आया स्लोप को जानने के लिए, क्या आया, स्लोप को जानने के लिए, ठीक है। मान लो एक मेरा ये कर्व था ऐसे, ठीक, कर्व था कैसे, ठीक है ना, वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है, वाई बराबर एफ एक्स कर्व था, ये नहीं लिख रहे ताकि डर और मत जाओ, इसलिए नहीं लिखना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी लिख रहा है, नहीं डरना मत, ठीक, क्लियर है। अब मान लो हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट उससे गुजरता हुआ बनाते हैं, ठीक है, टेंजेंट ही बना लेते हैं, उसके बाद कर्व बना लेते हैं, ठीक है, टेंजेंट बना, ठीक। इस पॉइंट पर हमें एक्स इक्वल्स टू ए पर एक टेंजेंट बना लिए, ठीक है, क्लियर फंडा। अब देखो ये तो ये स्ट्रेट लाइन को जो ऐसे जितना एंगल से एक्स एक्सिस बनाता था एक्स एक्सिस पर, ये वाला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाता था, मान लो थीटा, तो टैन थीटा को ही क्या बोलते हो, टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो, टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो, ठीक है, टैन थीटा को हम लोग स्लो बोलते हैं, टैन थीटा थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया तो सबको होगा, ठीक है, लेकिन ये आता कहाँ से है, ठीक है, सिंपल सिंपल समझना, ये टेंजेंट कहाँ से आता है इस चीज़ को समझना, ठीक। फिजिक्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना बताएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मान लो पहले सबसे पहले क्या बनाए, एक सीकेंट बनाए, पॉइंट ए है ये, पॉइंट बी है, ठीक, ये क्या बनाया सबसे पहले, मान लो हम एक सीकेंट, सीकेंट याद है सबको, कर्व को जो दो पॉइंट पे कट करे सीकेंट बोलते हैं, ठीक, सीकेंट बनाए, ठीक, क्लियर है। तो सीकेंट का कुछ अपना आप स्लोप होगा, होगा ना, होगा स्लोप, ठीक। लेकिन अगर ये पॉइंट बी मेरा मूव करता करता हुआ करता करते 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 ए के पास आ जाए, तो यही ए बी मेरा क्या बन जाएगा, टेंजेंट,
ठीक है, ये याद रखना, यही ये वाला पॉइंट बी सिकेंड जो पहले बनाए हैं, ये वाला पॉइंट बी मूव करते करते अगर मेरा ए पर आ जाए, यही सिकेंड मेरा ए पर टेंजेंट नहीं बन गया, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, समझना, टेंजेंट एट ए इज इक्वल टू, ठीक ना, टेंजेंट एट ए इक्वल टू कब, इफ बी अगर बी मेरा अप्रोचेस टू ए, मेरा बी जो है ए के पास क्या हो, जा रहा हो, बी ए को अप्रोच कर रहा हो, ठीक, बी एकदम बिल्कुल ए के बिल्कुल करीब आ जाए, है ना, बी अप्रोचेस टू ए, है ना, ठीक, तब मेरा ये जब ये सेकेंड क्या बन जाएगा, इफ बी अप्रोचेस टू ए देन सेकेंड ए बी becomes tangent at A, तो मेरा जो secant AB था वो B मूव करते 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 A के पास आ गया, तो A पर वो एक tangent बन जाएगा, A पर वो एक tangent बन जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मान इसको ऐसे नीचे गिरा है, ठीक, क्लियर है बंडा, क्लियर, अच्छा नीचे ऐसे गिरा है और इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर गिरा दो, ठीक है, परपेंडिकुलरली गिरा दो, ठीक, बात को समझना, बात को समझना, ऐसा फील करना, अभी मन ही मन ऐसा फील करना कि बी बिल्कुल करीब है ए का, इसको जूम कर दिए तुम्हारे लिए, हम मान लेना ऐसा, बी बहुत ही करीब है ए का, बी बहुत ही करीब है ए के, ठीक ना, तभी समझ में आएगा, बी बहुत ही करीब है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा जूम कर दिए, ठीक, ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारा दूरी क्या हो जाएगा, छोटा दूरी डी एक्स, छोटा दूरी डी एक्स, ठीक है, छोटा दूरी डी एक्स, क्लियर बंडा यहाँ तक, छोटा दूरी डी एक्स, ठीक है, और ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है तुम्हारा, ये वाला दूरी, ये इसको मान लो छोटा सा डी वाई, ठीक, क्योंकि बी ए के बिल्कुल करीब है तो बिल्कुल छोटा लेंथ होगा, तो डी वाई, और ये वाला छोटा लेंथ होगा बिल्कुल डी एक्स, तो इसका स्लोप अभी तुम क्या लिखते हैं, ये वाला स्लोप क्या लिखते हैं, स्लोप क्या लिखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, यानी टेन थीटा, टेन थीटा क्या लिखता है, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, इसको थीटा बोल दो, डी वाई बाय टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक, डी वाई बाय डी एक्स, यही मेरा क्या है, स्लोप है, यही मेरा क्या है, स्लोप है, यही मेरा जो डी वाई बाय डी एक्स नया टर्म आया, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई डी एक्स को समझना मीनिंग, ठीक है, डी वाई डी एक्स का मतलब क्या, डी एक्स का मतलब है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में चेंज करने से वाई में क्या चेंज आया, ये है, ठीक है ना, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है बंडा, ठीक, समझ गया बंडा, ठीक ना, या इसको ऐसे मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ, है ना, वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए ये अच्छा है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स का यही फंडा है, चूंकि x b तो बिल्कुल a के पास आ गया था, तो ऐसा फील हो रहा होगा ये थीटा कैसे हो गया, फीलिंग्स क्या समझना कि भैया पूरा का पूरा b तो मेरा a पर आ चुका है, ठीक ना, dx dy बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी है, बहुत ही छोटा, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, इसलिए वो दोनों थीटा सेम हो जाएगा, फिर समझने के लिए, ठीक है, dy dx स्लोप होता है, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म यूज करते हैं, चेंज इन वाई सबसे अच्छा समझने के लिए चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन, यही है स्लोप, लिख लो इसको, नोट कर लो, सब टर्म है, टर्म से डरना नहीं है, इसलिए टर्म से डरना नहीं है, क्लियर, समझ गया।
तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, ये हल्का सा आइडिया आ गया क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है ये तो समझ गए, ये आइडिया लगना जरूरी था। अब देखो अब सिंपल सिंपल शुरू हो जाते हैं कि कैसे हमको काम आएगा, ठीक है बस। अब नोट करके सबसे पहले क्या लिखना कि इफ अगर मैं दुनिया वेरिएबल हो तो कैलकुलस काम आता है, इफ थिंग्स आर वेरिएबल देन कैलकुलस इज यूज, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। कैलकुलस यूज कैलकुलस का मतलब दो पार्ट, एक डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल का साइन ऐसे था ठीक, डिफरेंशिएशन डी वाई डी कुछ भी डी वाई डी एक्स करो चाहे वाई कर लो, यहाँ वाई डी एक्स मान के चलो ऐसे था, याद आ गया ठीक है ना। अब सीखते हैं कैसे डिफरेंशिएट और कैसे इंटीग्रेट करेंगे सिंपल सिंपल फॉर्मूला, उसके बाद तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा ठीक है। अब पहला सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ जान लेते हैं ठीक। मान लो इफ पहला y बराबर कुछ x की पावर n हो, y बराबर x की पावर n, n तुम्हारा कुछ भी हो सकता कोई भी रियल नंबर है, n कोई भी रियल नंबर है, तो dy बाय dx इसका होता है याद ही कर लेना n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एक से घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो फिर पावर एक से घटा दो, ये याद रहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ठीक। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे बताएंगे ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा, अच्छा पहले यहाँ तक समझ लो, ये समझ गया फंडा क्लियर है माइनस ठीक, इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन ठीक, इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या क्या याद रखना, अगर x की पावर n का इंटीग्रेट करना होगा, अगर x की पावर n को इंटीग्रेट करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन dx कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ठीक ठीक ना। इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, अगर लिमिट नहीं लगाया हो तो इसमें प्लस c भी जोड़ दिया करते हैं कोई कॉन्स्टेंट ठीक है, याद रहना चाहिए ठीक। हम लोग जनरली इसी का यूज करके काम चलाएंगे ठीक है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ठीक, इसमें ये याद रखना, इसमें ये याद रखना ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक और ये सब फंडा जब भी आएगा वो हम वहीं पर बता देंगे कैसे इंटीग्रेट या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ठीक है ना। पहले ही तो सिंपल इतना आ जाए, इतना ही आ जाए वहीं पहले बहुत है ठीक, ये रहा नोट कर लो, बहुत तो जरूरी है इसको समझना, चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है। तब याद करो वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद है वेलोसिटी क्या था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि दुनिया अभी वन डी में जी रहे हैं, मान लो उल्टा देख ले एक्स एक्सिस में दुनिया चल रहा है ठीक, अभी एग्जांपल ऐसे सिंपल ठीक है। तो अब देखो अब समझते चलना क्या होगा, कौन सा समझ गया, अब देखो समझते चलना, दुनिया तो अभी पूरा पूरा एक्स में ही चल रहा है ठीक। अब हम बी वेक्टर को हमेशा लिखेंगे क्या, डी एक्स होता क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, होता क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो डी एक्स छोटा सा टाइम डी टी, v वेक्टर को हमेशा लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, चूंकि x डिस्प्लेसमेंट है तो x के ऊपर वेक्टर भी दे सकते हैं, वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बाय छोटा सा टाइम ठीक, v बराबर dx बाई डी टी क्लियर है बंडा। चलो अच्छा एक्सप्रेशन क्या था, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि dv छोटा सा चेंज, dv बाय टाइम यानी कि dv बाय डी टी क्लियर है, बात समझ आ रहा है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, वी बोलेंगे dx by dt मतलब कि चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, छोटा सा चेंज वेरिएबल दूसरी दुनिया आएगा तो छोटा चीज को उठा करके हम लोग जोड़ या घटा बोलते हैं। ठीक ठीक है, यहाँ तक हो गया है ना, ठीक है यहाँ तक सही। इसको एक और टर्म लिखते हैं, देखो ए बराबर लिखे हो ना डीवी बाय डीटी, ठीक है डीवी बाय डीटी, तो वी की जगह हम डीएक्स बाय डीटी पुट कर देगा है ना, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जगह हम क्या रख दें, वेलोसिटी की जगह हम रख दें डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, इसको जो है डी टू एक्स बाई डी टी डी टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एक्सलेशन को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एस एच एम में दिखाई देगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर हार होंगे तो ये वाला टर्म दिखाई देगा, ठीक है ना, मैकेनिक्स में डी टू एक्स बाई डी टी इसका घबराना नहीं, इसका मतलब क्या, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट कर दिए, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, डबल डिफरेंशिएशन, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट कर दिए, एक बार नहीं करके दो बार किया, एक ये फंडा आता है, क्लियर है। एक ये लिखते हैं, एक और इसको देखो लिखते क्या है, डिफरेंशिएशन को डी वी बाई डी टी लिखा हुआ है, पहले लिखना सीख लो है ना, लिखते क्या क्या, डी वी बाई डी टी लिखा हुआ है इसमें देखो, अगर हम एक्स से डिवाइड या देखो एक्स दिए डी एक्स दिए डी एक्स अगर हम ले लिए, ठीक है ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी हमको क्या देगा, वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी डी वी बाई डी एक्स ये भी काम आ जाता है, ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स ये भी काम आ जाता है, ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स, ये तीन एक तरह समझे, एक दो तीन चार या एक दो तीन, बस ये जनरली याद रखो, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन वेलोसिटी, ये सबका एक्सीलरेशन वेलोसिटी सबका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, नोट कर लो, ऐसे ऐसे लिखेंगे और इसी का यूज करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कई क्वेश्चन में ऐसे करके यूज होगा, ठीक, ठीक है ठीक है ना, तो वो हमेशा क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा, कितना बार हम बता रहे हैं वही जस्ट कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता होगा, टाइम के साथ के रिस्पेक्ट में वो वेरी करता होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अब बस अब क्या क्वेश्चन देखेंगे समझते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल पहला, ठीक, मान लो अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है ना, एक्स बराबर देखे तो रखा है जैसे मान लो, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस टी कि मेरा किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ ऐसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कहेगा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलो इफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज वेरिंग इज वेरिंग इज वेरिंग कितना ऐसा ही है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर दो सेकेंड में, हमको वेलोसिटी पूछनी है तो सॉल्यूशन, ठीक, मान लें क्वेश्चन यानी कि पोजीशन के बारे में, पोजीशन के बारे में हमको टी उसका प्लस टी दे दिया, टाइम के साथ ऐसे वैरी कर रहा है मेरा पोजीशन, ठीक, वेलोसिटी पूछ रहा है हमको टी बराबर टू, पहले टी बराबर टू अभी बंद पुट कर देना, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या सीखे हैं, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, चलो टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, क्या सीखा है, टू टी एक्स की पावर एन का, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक,
इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी स्क्वायर है तो टू चक के यहाँ आ गया, पावर टू माइनस वन, बात समझ रहे हो, प्लस टी का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी टी क्या होगा, फिर हो रहा होगा वन ही, कैसे टी की पावर वन था, वन इंटू टी की पावर वन माइनस वन, वन इंटू टी की पावर जीरो, मतलब वन इंटू वन मतलब कि वन, बात समझ गया, एक बार बता दिए हैं, बार बार नहीं बताएंगे, पूछोगे तो बता ही देंगे, समझ गया ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टी का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में वन, टू टी प्लस, देखिए मेरा वेलोसिटी भी अब टाइम के में आ गया, अब आराम से टाइम टू पे पूछ रहा था, टी को टू पुट कर दो, वेलोसिटी एट टी बराबर टू, टू इंटू टू प्लस वन, फाइव मीटर पर सेकेंड या फाइव जो भी यूनिट होगा, मान लो मीटर में दुनिया था, मान लो मीटर में था तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वेलोसिटी मेरा समझा कैसे यूज करेंगे, क्लियर है, ठीक क्लियर, और एक अगला एग्जांपल इसी में लेते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वी बराबर टू टी माइनस, ठीक है थ्री टी स्क्वायर, ठीक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन दिस, देन फाइंड एक्सेलरेशन एट टी बराबर एक सेकेंड, एक सेकेंड में हमको एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा, ठीक अच्छा भैया तुम वेलोसिटी देके रख दिया, वेलोसिटी देके रख दिया, वेलोसिटी जब ही दे दिया तो एक्सेलरेशन में और क्या भी हम लोग सीखे, डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, ए बराबर क्या लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, चलो टू टी माइनस थ्री टी उसका डिफरेंशिएट करो, टू टी का डिफरेंशिएशन तो टू तो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को छोड़ दिया जाता है, ठीक बचा टी, टी का डिफरेंशिएशन वन ही था छोड़ दो टू ही रह गया, माइनस थ्री तो पहले से है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो टू चक्के आ जाएगा यहाँ पे यानी कि सिक्स और टी की पावर वन, ठीक है यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है नहीं होना चाहिए आई होप, ठीक है टी बराबर वन पुट करो, एक्सप्रेशन पूछा है कब एट टी इक्वल्स टू वन यानी कि टू माइनस सिक्स कितना माइनस फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म यही करना है बस यही हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, ठीक है फॉर्मूला पता ही है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स का स्क्वायर होता है एक्स एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पर सब दुनिया टी में है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट वैसे भी करना रहता है हमको, ठीक है सिंपल हो गया कर लो, क्लियर फंडा यहाँ तक आई होप सब कुछ समझ आएगा, बस क्वेश्चन सीखते चले जाओ, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना सीखेंगे, समझ रहे हो ना बात, बाकी तो दिन दुनिया मोह माया है, ठीक है सब मोह माया है, क्लियर फंडा, ठीक है ये क्लियर, ठीक एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे, ठीक है ना अच्छा एक और क्वेश्चन ए आ पार्टिकल इज मूविंग विथ है ना इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी बराबर मान लो कुछ भी दे दिया टू टी माइनस वन, ठीक देन फाइंड, ठीक है ना देन फाइंड पहले बोलेगा तुमको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक दूसरा एक्सेलरेशन इन
टर्म्स ऑफ टी, टी के टर्म में, कोई फिक्स टाइम नहीं दे करके टी के ही टर्म में तुमसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया और एक्सेलरेशन भी, दो चीज पूछ लिया, ठीक है। अच्छा तो कैसे टैकल करेंगे समझो। सॉरी वेलोसिटी तुमको दे के रखा है 2t-1, वेलोसिटी हमको दे दिया 2t-1, ठीक। हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी दिया हुआ है, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब एक बैक जाना है, पीछे पीछे जाना है हमको, है ना। देखो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया होता, एक्स दिया होता, तो हम वेलोसिटी निकालते dx/dt, एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए होते, करते ना, ठीक है। क्योंकि हम तो जानते हैं v बराबर dx/dt, मेरे माइंड में तो ये है ना, एक्स दिया होता तो v निकाल लेते, यहाँ पहले ही v दे दिया है, तो कम से कम इतना तो पता है ना कि v को हम लोग dx/dt लिख सकते हैं, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt का हो गया 2t-1, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। तो dx बराबर क्या लिख सकते थे, 2t-1 dt, यहाँ से यहाँ उचक के चला गया। अब दोनों तरफ क्या कर लो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, खत्म। यानी कि यहाँ पर मेरा डिफरेंशिएशन ना यूज हो करके इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। आप समझे कैसे कैसे कर पहुंचेंगे, अब इंटीग्रेट करने तो हमको आता है, ठीक। टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर मतलब 1 है, तो टी की पावर 1+1/1, 1+1 याद है सबको फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर n+1/n+1, टी की पावर 1 तो टी की पावर 1+1/1, टी की पावर 2/2, क्लियर। -1 तो 1 है, ठीक है, 1 तो 1 ही है फिलहाल, ठीक है। 1 को देखो, मन ही मन सोचो, ऐसे 1 को लिख सकते हो टी की पावर 0, ठीक, 1 को लिख सकते हो टी की पावर 0, टी की पावर 0 का मतलब टी की पावर 0+1/0+1, तो क्या हो गई, टी ही आ गया, तो 1 सिंपल एक इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, टी, क्लियर, ठीक। प्लस एक हम क्या सिखाए थे कि कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमको, तो अभी लगा दो क्योंकि हमको लिमिट नहीं देके रखा है। डीएक्स को जोड़ते 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 फाइनली हम गए, डिस्प्लेसमेंट ही तो मिलने वाला है, यही हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। 2t²/2 से 2 कटिंग कर दो, यानी कि यहाँ लिखते हैं x²-t + कोई सी, कॉन्स्टेंट है मेरा, ठीक। यही मेरा क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में मिल गया हमको, क्लियर है, क्लियर फंडा, यहाँ तक नोट कर पहले इसको, ऐसे इंडिकेशन का यूज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जल्दी फटाक से, कोई टफ नहीं है, मैथ से खेलना आना चाहिए हमको, खेलना सीख लो प्लीज। भाई वालों को पहले ही बोल रहे हैं, डरना मत देख करके कि वो क्या आ गया, पहले ही बोल दे रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा ही हो जाएगा, एक बार देख लोगे तो कभी जीवन में मुश्किल नहीं आएगा, इसलिए अभी ही सीख लो, इसको बोरिंग फोरिंग मत समझना, आगे क्या सीखे, नहीं काम आने वाला है हमेशा, पूरा फिजिक्स में पढ़ाई करेंगे तो पूरा पढ़ाई करेंगे, खाते हो तो पूरा खाते हो कि आधा खाते हो, जैसे खाना पूरा खा लेते हो, पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे यार, क्या आधा नहीं ना, पढ़ो तो पूरा पढ़ो, सब पढ़ो, सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में, डिफरेंशिएशन निकाल लिए हम लोग, ठीक, नोट कर लेना था। अब एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन बराबर जानते हैं, डायरेक्ट डी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेना, dv/dt कर लेते हैं, हो गया पहला, हो गया पहला पार्ट, ये पहला हो गया, ठीक है ना, पहला हो गया, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा हम लोग से क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, दूसरा हम लोग से एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक, दूसरा पार्ट पूछा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी dv/dt, a = dv/dt, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, सकते हैं 2 ही हो जाएगा, ठीक है, t का डिफरेंशिएशन 1, कैसे, टी की पावर 1 है तो 1 × t⁻¹, 1 × t⁻⁰, 1 × t⁻⁰, 0, ठीक है। 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, याद रख लो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अच्छा कांस्टेंट वेरी करेगा क्या, मान लो हम करते हैं
डी बाई कुछ भी डी 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 टी ऑफ कॉन्स्टेंट जी, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉन्स्टेंट में चेंज आएगा कभी जिंदगी में? नहीं, जीरो। कॉन्स्टेंट चीज का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, वन तो कॉन्स्टेंट है, कन्वर्जन जीरो। ठीक, उसके साथ टीवी लगा हुआ नहीं, टू आके सिंपल ए टू ही आगे डायरेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करता हूँ, एक्सेशन आ गया टू फिक्स। ठीक, नोट कर दूसरा, अच्छा क्वेश्चन हो गया, इम्पोर्टेंट मतलब हमको वेलोसिटी दिया रहा है तो टाइम निकाल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जो दिया रहेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हम लोग देखो अब कंबाइन कर लेते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म। देखो वी और लिखते हैं हम लोग डी एक्स बाय डी टी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग डी एक्स और लिख सकते हैं वी डी टी। ठीक, ये सब वी डी टी मतलब इंटीग्रेशन के लगाते हैं इंटीग्रल फॉर्म, ये होगा डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म, समझ रहे हो? ठीक, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है, इसको बोलता है इंटीग्रल फॉर्म। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट, काम क्या करना है। ठीक है, ए बार लिखते हैं हम लोग डी वी बाई डी टी, तो डी वी को लिख सकते हैं ए डी टी, तो डी वी को लिख सकते हैं ए डी टी, और दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रल का साइन। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक समझ गया ना? एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हम लोग वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे जब हमको एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट के टाइम टर्म्स में दिया हुआ होगा ना, तो इसका भी देखो यूज करेंगे। वी डी वी को लिख सकते हैं फिर हम लोग ए डी एक्स, ए डी एक्स कुछ ना कुछ दिया ही होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, यही यूज की और ये यूज किया तैयार आ गया। क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा वाले के फिर इक्वेशन यूज कर लेंगे। ई सिंपल से पता, वी बराबर डी एक्स बाई डी टी, ए बराबर डी बी बाई डी टी, ये सिंपल हमको याद रखना। ठीक है, चाहे यहाँ से तुरंत लिख ले डी एक्स बराबर ई डी टी, डी बी बराबर ए डी टी, तुरंत लिख लिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए, लेकिन तो डी एक्स तो नॉर्मल है। ठीक है ना, पूछा हुआ है नीट वीट में, ऐसा इस पर भी क्वेश्चन आईआईटी का, तो खैर बात करो तो पूछना ही है, नीट में भी पूछा हुआ है, सिंपल इस बेसिस पे दिया हुआ है। वेलोसिटी दे दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, एक्सेलरेशन पूछ लिया, ऐसे पूछ चुका है। ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे ना सब समझ जाओगे, प्रीवियस ईयर तो पूरा डिस्कस करने वाले, छोड़ेंगे कुछ भी। ठीक है, खत्म, क्लियर है? तो यहाँ तक कुछ कुछ सीखा होगा तुम लोग। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स को कैसे यूज करते हैं समझिए। एक तुमको इसका क्वेश्चन एक उठाते हैं, एक अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे पूछता है, तो तुम लोग एक आइडिया लग जाएगा कि क्या रहता है। ठीक है, आइडिया लग जाएगा कि क्या रहता है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो, तुमको एक क्वेश्चन लिख देते हैं हम। ठीक है, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन है, लिख लो, समझ लेते हैं, एग्जांपल एक ले लो, एम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एज गिवन बाय एस बराबर 60 स्क्वायर माइनस टी क्यू। क्वेश्चन पूछता है द टाइम इन सेकेंड एट विच
द पार्टिकल एट विच द पार्टिकल विल ऑब्टेन जीरो वेलोसिटी अगेन, जीरो वेलोसिटी अगेन क्वेश्चन, ठीक है, जीरो वेलोसिटी अगेन, ठीक, क्वेश्चन यही है कि भाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, सभी भी वीआई पॉइंट होता है अंडरलाइन करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसे दिया हुआ है, तो टाइम पूछ रहा है हमको कब का टाइम जब मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, ये सब क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दिया, जीरो वेलोसिटी पूछ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे के रखा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी दे के रखा हुआ है, कितना चीज दे दिया, और चीज दे दिया, ठीक है, क्लियर, क्या होगा एस बराबर दे दिया 60 स्क्वायर माइनस टी क्यू, ठीक, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो वेलोसिटी पर हम लोग क्या जानते हैं डी एस बाई डी टी, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मतलब डी एस बाई डी टी करो, 6 × 12 माइनस 3 स्क्वायर, 3 से गुना टी के बाद 3 − 1 2, ठीक, क्लियर है, कह रहा है वेलोसिटी जीरो हो जाए, जीरो, जीरो मतलब गिवन, गिवन v बराबर जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाए मतलब इस पूरे को क्या कर दे, इक्वल्स टू जीरो, 12t − 3t स्क्वायर को जीरो, कॉमन वन लेने आता ही है हमको, 3t कॉमन लेके क्या बचा, 4 − t जीरो, एक तो t बराबर जीरो पर तो गया, रेस्ट पर से शुरू हुआ था वो तो पता ही था, यहाँ से t बराबर जीरो भी आ गया, एक 4 − t बराबर जीरो, यानी t बराबर 4 भी आ गया, तो अगेन जो पार्टिकल मेरा दोबारा से t इक्वल टू 4 सेकंड पर रेस्ट पर आएगा, इनिशियली तो रेस्ट पर था ही, जो फिर से मेरे इक्वेशन से आ ही रहा है, ठीक, तो रेस्ट पर था ही, t बराबर जीरो रेस्ट पर था ही, ठीक है, t बराबर 4 पे भी रेस्ट पर पार्टिकल आएगा, ठीक है, खत्म, बस मैथमेटिक्स लग गया, एम्स एम्स का क्वेश्चन है, अब तो नीट वीट सब बराबर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, चेक, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अब देखो समझ गया ना, सिंपल है, ये भी ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, तो पता होना चाहिए क्या क्या करेंगे, ठीक है, चलो अब जो है ना कुछ छोटा छोटा बात है, अभी देखो खत्म नहीं हुआ, बस अभी समझते चलना, ठीक, अभी अब कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे तो सारा इक्वेशन और मोशन मेरा आ जाएगा, वी बराबर u + 80 + 2 + 1/2 स्क्वायर, और ये सब सारा का आएगा, ठीक, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट का केस में ये सारा का इक्वेशन आता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि ए मेरा क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मेरा कुछ कांस्टेंट है, अगर मेरा एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वेरिएबल ना हो तो दुनिया बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना, कोई तो ये बार क्या लिखते हैं, ठीक है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम जो लगा हो उसको, ठीक, यहाँ से वी फाइनल बराबर माइनस वी इनिशियल बराबर क्या आता, ए टी, तो वी फाइनल बराबर क्या लिखते हैं, वी इनिशियल प्लस ए टी, चूँकि वैक्टर है ये सारा का चीज़ तो वैक्टर लगा, पहला इक्वेशन मिला है, ठीक, v क्या है, फाइनल वाला ct, ठीक, v इनिशियल क्या है, v फिर फाइनल, v इनिशियल क्या है, इनिशियल वाला ct, ये तो पता ही है क्या है, एक्सेलरेशन t, टाइम जितना लगा है, टाइम टेकन, चलिए वेक्टर कोऑर्डिनेट तीर देर में अच्छा लगता है, ठीक है,
पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लो किसी पार्टिकल को, पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे दिया, सारा का सारा कहानी पूछ लिया, इसी को लोग वी बराबर यू प्लस ए टी भी लिखता है, इसी को वी बराबर यू प्लस ए टी भी लिखते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी, ये जनरली सुनिए होगे तुम, वी बराबर यू प्लस ए, यू से इनिशियल वेलोसिटी को डिफाइन लिखते हैं, वी फाइनल वेलोसिटी के लिए, ए एक्सेलरेशन के लिए, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक, यहाँ तक समझ गए बात, नोट करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ऑफ मोशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही है, बहुत ही है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ये कॉन्स्टेंट है, हमको टेंशन नहीं लेना। अब चलो, अब हम जानते हैं v बराबर dx by dt, तो dx को लिख सकते थे हम लोग v dt, ठीक ना। अब डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी x से भी डिनोट करते हैं, s से भी डिनोट करते हैं, तो कन्फ्यूज ही नहीं बन पाता, क्योंकि दुनिया हम लोग कभी कभी स्ट्रेट लाइन x में ही देखते हैं, तो x ही लिखते रहते हैं, ये चूंकि 1D मोशन है, मेरा स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, dx by dt, ठीक, dx by dt आ गया, ठीक, वी डी आ गया, वी की जगह क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, वी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की जगह हम लोग लिख सकते हैं यू प्लस ए टी, लिख सकते हैं यू प्लस ए टी, लिख सकते हैं हम लोग यू प्लस ए टी, डी टी आ गया, डी एस, ठीक। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको आ जाएगा, टारगेट डिस्प्लेसमेंट निकालना आ रहा है, ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिए, तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट को जोड़ जोड़ते फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस बराबर, ठीक। यहाँ पर देखो क्या आएगा, यू तो कॉन्स्टेंट चीज है, ठीक ना, टी के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, यू टी प्लस यहाँ पे ए टी स्क्वायर बाय टू, ए टी स्क्वायर बाय टू, इसको हाफ बोल दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर अगर दे दो और खुशी का बात है, ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक तरह से आ गया, ठीक है, सेकेंड आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, नोट कर इसको भी, नोट करो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जब कब है ये सब, ये सब इक्वेशन कब लगाएंगे, जब दुनिया में एक्सेलरेशन मेरा क्या गिवन है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मेरा क्या गिवन है, कांस्टेंट, जब वेरिएबल होगा तो कैलकुलस यूज करने वाले हैं, लेकिन जब कांस्टेंट होगा तो ये यही यूज होगा, यही यूज होगा, ठीक, एज ऑफ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है बंडा, ठीक, चलो अब मान लो ये इक्वेशन है, इसी को ना v बराबर भी है u प्लस ए टी है, ठीक है, इसको स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टू यू ए, सॉरी u स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी, है ना, देखो तो u स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ आएगा, यहाँ दो, है ना, u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, देखो टू ए, टू ए कॉमन लेते हैं अगर हम, टू ए कॉमन लेते हैं अगर, ठीक है, ठीक है, टू ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या दिखा, यू टी दिखेगा, यहाँ यहाँ से यू टी दिखेगा, और प्लस यहाँ क्या दिखेगा, हाफ ए टी स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, टू ए कॉमन लेंगे, यू टी दिखा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर क्या है टोटल, ऐसे ही तो था, ए स्क्वायर प्लस टू ए, ये ऐसे ही था पूरा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऐसे ही था, ये इक्वेशन आ गया, ये तीन इक्वेशन आ गया, ओवर भी आए, ये तीन, ये कब यूज करते हैं, याद रखना मेरे, जब एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, ये पॉइंट तो पता होना चाहिए, तो कैसे कैसे डेरिवेशन किए देख लिया, नोट कर लो,
क्वेश्चंस इसमें जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसे इक्वेशन में यूज कैसे कैसे करेंगे समझ जाओ, क्वेश्चन में ही सब यूज आएगा। ठीक है, इसको पहले डिटेल लिख लो, लिख देते हैं अब कि हम क्या सब पढ़े हैं, बस काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, इस पे भी बेस्ड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, नंबर लगाएंगे तो समझते जाओगे। पहले तो हम लोग आज क्या सब पढ़े हैं रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है ना, आज क्या सब पढ़े रिवाइज करें। सबसे पहले पढ़े हैं हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े हैं, ए वेक्टर को लिखते हैं हम लोग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी टू माइनस टी वन। ठीक है, ठीक, मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ये, ठीक है, प्लस माइनस अपने मन से लेते हैं, प्लस का मतलब कभी नहीं कि बढ़ेगा, माइनस माइनस का मतलब कभी नहीं घटेगा। ठीक, इफ वी ई ये लिखिए, ये कन्फर्म है, वी वेक्टर ए वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन देन वेलोसिटी विल क्या इंक्रीज, ये तो कन्फर्म है। ठीक, अगर वी वेक्टर और ए वेक्टर का मेरा डायरेक्शन सेम होता है तो वेलोसिटी मेरा कन्फर्म है कि बढ़ेगा ही। एंड इफ वी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन तब क्या होता था, देन वेलोसिटी विल डिक्रीज, तो वेलोसिटी घटता था। मान लो वी इधर है और ए इधर है, वेलोसिटी घटे स्पीड को ऐसे स्पीड को वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाते हैं घटेगा, इस केस में ना वेलोसिटी स्पीड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, ये फंडा था, क्लियर, इतना हम लोग पढ़ते थे। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है भैया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अच्छा ठीक है ना, यहाँ तक पढ़े थे। फिर हम लोग देखो डिफरेंशियल फॉर्म क्या सब था, ये बताओ, याद करवाओ, v बराबर डी एक्स बाई डी टी, एक ये था, ठीक, टर्म सब था, सारा टर्म दिमाग में सब रखना, ठीक है, v बराबर डी एक्स बाई डी टी था, ठीक, क्लियर भंडा, a बराबर डी वी बाई डी टी, ए बराबर डी वी बाई डी टी, या a बराबर एक याद करो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिखे थे, ठीक, या a बराबर v डी वी बाई डी एक्स बोलो चाहे डी एस बोलो, उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक, डिफरेंशियल फॉर्म ये था, क्लियर है, इतना था। इंटीग्रल फॉर्म क्या सब था, उसी को उल्टा ठीक कर देंगे, डी एक्स बराबर वी डी टी, इंटीग्रल लगे दोनों तरफ, ठीक ठीक ना, और यहाँ पे देखो कहाँ गया, सॉरी, यहाँ से डी वी बराबर ए डी टी, डी वी बराबर ए डी टी, दो तरफ से इंटीग्रल लग गया। ठीक है, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे, देखो ए बराबर वी डी वी डी एक्स, ए डी एक्स सॉरी ए सॉरी वी डी वी लिख, वी डी वी बराबर ए डी एक्स, दो तरफ इंटीग्रल लगा लो, ठीक, इंटीग्रल इंटीग्रल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब फाइनली क्या था, अभी क्या पढ़े, इफ एक्सेलरेशन मेरा क्या हो, इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स टेन, तो तीन तीन मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आता है, ठीक है ना, तीन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आता है अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। ठीक है, पहला निकल के आता है हम लोग को v बराबर यू प्लस ए टी, वेक्टर लगाते हैं तो अच्छा लगता है, दूसरा आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डायरेक्शन लगाने में अच्छा लगता है, और एक तीसरा आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। कब है ये सब चीज़, जब दुनिया मेरा कैसा है, जब एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट हो, ये सारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, तीन ठो इक्वेशन ऑफ मोशन, इतना चीज़ आज हम लोग पढ़े हैं। कैलकुलस को कैसे यूज करते हैं वो भी हम समझा दिए थे, ठीक है ना,
कि भाई ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एरिया निकालने के लिए आया था, और स्लोप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, स्लोप निकालने के लिए आया था, वो भी फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे। चले जगह है तो लिख देंगे नीचे, लिख रहा है ना फॉर्मूला कुछ कुछ कि इंटीग्रल एक्स के बारे में, सॉरी हाँ एन डी एक्स का फॉर्मूला था एक्स के बारे में प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक ये याद रखना, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था x के रिस्पेक्ट में ही n इंटू एक्स की पावर n माइनस, इतना हम लोग आज पढ़े हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, इसको पूरा पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, आज के वीडियो को नोट कर लेना पूरा पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा का सारा बात। ठीक है, तो इस पर सारा सारा जितने बेस्ट क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में और भी करेंगे। ठीक, ग्राफ ग्राफ को भी समझेंगे, कैसे कैसे ग्राफ से समझते हैं कि वेलोसिटी अब इंक्रीज कर रहा है फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, कितना उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, कितना उसका मिनिमम वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगा, कब नहीं जीरो होगा, थोड़ा बहुत वो सब भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रहा है, ठीक है, अब चीज़ों को जो है ना फ्री फॉल करवाएंगे, मेन वही क्वेश्चन बनता है, फ्री फॉल वाला पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है, वो फ्री फॉल में कैसे कैसे कहानी होगा, क्योंकि जब फ्री फॉल में बॉडी होता है तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, वहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है ना, इसलिए वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉल गिरा देगा बिल्डिंग पर से, नल में से बूंद गिरा देगा, बोलेगा चार सेकंड बाद बताओ पहला बूंद होगी दूसरा बूंद में क्या दूरी है ना, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, कोई बात वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आई होप आज इतना समझ आ गया होगा, ठीक, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, रिवाइज करते चलना, ठीक है, इसी तरह सपोर्ट करते रहो, जो भी प्रॉब्लम आए, जो तुम लोगों को लगे कुछ डिफिकल्टीज है कमेंट में कमेंट करके हमें बता दिया करो, सर यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हम लोग फील हो रहा है, अब उसको टैकल करेंगे, ठीक है, खुद को भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी तुम लोगों को फील हो वो बता दिया करना, ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।